वेलकम स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम करेंगे इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो कॉम्पिटेटिवली भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन किया हुआ है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, मीन्स जो फार्मूले आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के दौरान आपको यूजफुल होंगे। फर्स्ट है हमारे पास रजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी अपॉन आई, आई इज द करेंट। सेकेंड जी, जी इज द कंडक्टेंस, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, सो जी इज इक्वल टू वन अपॉन आर। हेयर कापा इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू द कंडक्टेंस जी इन टू जी स्टार। हेयर जी स्टार इज द सेल कॉन्स्टेंट, एंड सेल कॉन्स्टेंट इक्वल टू एल अपॉन ए, दैट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम किसके इक्वल है, कापा मींस कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, एम मींस कंसंट्रेशन के इक्वल। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल आएगी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी पावर हाफ। यहाँ पर जो ए है कॉन्स्टेंट, सी आपके पास कंसंट्रेशन, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, एंड दिस इज सिंपल मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, एंड दैट होल इक्वेशन इज नोन एज डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। लास्ट वीडियोज में हम इनको काफ़ी डिटेल्स में कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको क्या निकालना है, अल्फा, अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, देन द फॉर्मूला इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एंड वन ऑफ द लास्ट वन इज कोलाशला, कोलाशला के अकॉर्डिंग क्या था कि मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्वल होगी किसके, सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल कैटायन एंड एनायन। आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसकी निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl अकॉर्डिंग टू द कोलाशला, तो वो किसके इक्वल आएगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये कंप्लीट आपके पास फार्मूला हैं। कुछ और फार्मूलेज हैं, जैसे अगर हमें फाइंड आउट करना है EMF ऑफ सेल तो वो किसके इक्वल आएगा, E कैथोड माइनस E एनोड, या फिर कैथोड कहाँ होता है, राइट हैंड साइड, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट हैंड साइड माइनस कर देंगे किसका, E नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। सेम अगर आपको नर्न्स्ट इक्वेशन है और किसके लिए फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक किसके लिए है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए, तो फार्मूला मैंने यहाँ इलेक्ट्रोड रिएक्शन कंसीडर की, मेटल एन पॉजिटिव एन एन इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस्ड हो जाएगा एम में, तो वहाँ पर नर्न्स्ट इक्वेशन आपकी ये यूज होगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन वन अपॉन एम एन पॉजिटिव। मीन्स सॉलिड की हमेशा कंसेंट्रेशन कितनी होती है, वन, तो आपका ये ऊपर था, इसको हमने कितना कंसिडर किया यहाँ पर, वन अपॉन आयनिक फॉर्म में। अगर हमारे पास सेल रिएक्शन है इस फॉर्म में तो हमारे पास नर्न्स्ट इक्वेशन यूज होगी ये। अब इस इक्वेशन में जो आपके पास ये है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अब जब आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगी, एट इक्विलिब्रियम, तो ई सेल किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो, तो यहाँ पर ये चीज जीरो होगी, तो ई नॉट सेल आप फाइंड आउट करेंगे तो ये। सेम अगर आप यहाँ पर आर की और टेम्परेचर कितना मेंशन करते हो, 25 डिग्री सेल्सियस मींस 298 केल्विन, आर की वैल्यू पुट करते हो टेम्परेचर की, और फेराडेज, फेराडेज की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम, तो आप जब इन वैल्यूज को पुट करोगे तो आपको सॉल्व करके क्या मिलेगा, ये वाली इक्वेशन। तो दीज आर द फार्मूलाज विच आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल्स। ऐसे ही आपके पास हो सकता है कि डेल्टा जी नोट मीन्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज आपको फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए फार्मूला आपके पास रहेगा ये आरटी लॉग केसी। बाय चांस आपको ये एल एन की फॉर्म में लेना है तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस आरटी एल एन केसी, और कुछ में आपके पास फार्मूला ये भी आएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। जो ये लास्ट अल्टीमेट फार्मूला आया है वो यहीं से डिराइव किया हुआ है, जो हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में। नाउ वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीज फार्मूलाज। फर्स्ट आपको न्यूमेरिकल दिया कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन जिसका पीएच आपको कितना दिया हुआ है, 10। एज वी नो
pH of any solution is equal to negative logarithm of H positive ion concentration. तो इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से H पॉजिटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन आएगी, pH की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 10, तो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन यहाँ पर क्या आ जाएगी 10^-10. अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूटिलाइज करेंगे, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन 1. मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 यहाँ पर क्या है, N की वैल्यू. N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन में एक्सचेंज होते हैं, आपके पास लिबरेट होते हैं या फिर डिपॉजिट की फॉर्म में. तो आपके पास यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, क्योंकि हाइड्रोजन गेन और लॉस कितने का कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन का. लॉगरिथम 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन. अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं. ई हमें फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना होता है, 0.00 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 1. लॉग H पॉजिटिव की हमने वैल्यू कितनी ली हुई है, 10^-10. अब अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू माइनस 0.059 इंटू, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 10. अब ये कैसे सॉल्व किया, हमारे पास है ये log 10^-10, और इससे पहले क्या है यहाँ 1/10^-10. तो आपके पास क्या आएगा, ये log 1. आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, log m अपॉन n. तो आपके पास आ जाएगा log m माइनस log n. आपके पास जो 1 है वो m, और जो 10^-10 है वो हमने किससे रिप्रेजेंट किया, n से. तो वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आएगा log 1 माइनस log 10^-10. पावर आपकी आगे आ जाएगी यहाँ, तो माइनस माइनस 10 log 10. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लॉग 1 को आप नेग्लेक्ट करोगे 0, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 10 log 10. लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1. अगर हम 1 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सिंपल क्या पुट कर सकते हैं हम, 10. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से E की वैल्यू आएगी माइनस 0.59 वोल्ट. यही यहाँ पूछा हुआ था, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपको दी है कि कोई भी एक सेल है जिसके अंदर ये रिएक्शन है, Fe2 पॉजिटिव आयन फेरस आयन कन्वर्ट हो रहे हैं फेरिक के अंदर, आयोडाइड आयन आई नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन के अंदर. आपको E नॉट सेल दिया हुआ है 0.236 वोल्ट और कितने टेम्परेचर पर, 298 केल्विन. आपको वहां पर फाइंड आउट क्या करना है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी. सेकेंडली आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट KC फॉर द सेल रिएक्शन. अब हमें पता है कि अगर हम डेल्टा जी नॉट निकालते हैं, तो मैंने लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल. अब यहाँ पर आपको ई नॉट सेल की वैल्यू पता है कितनी है, 0.236. फेराडेज एफ आपके पास फेराडेज कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलम्स. रही बात किसकी, N की. N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम देखें यहाँ पर 2i नेगेटिव, उसको i2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का गेन चाहिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का. या फिर अगर हम यहाँ पर लेकर चलें 2Fe2 पॉजिटिव गिव्स राइज 2Fe3 पॉजिटिव. अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखा सकते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ 2 × 2 = 4, यहाँ पर 2 × 3 = 6, यहाँ 6 पॉजिटिव है, तो बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाएंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन्स का. तो यहाँ पर N की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 माइनस साइन डेल्टा जी नॉट. जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस 45548 जूल. अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो नियरली वैल्यू हमारे पास रह जाएगी ये 45.55 किलो जूल. अब हमें पता है कि जो डेल्टा जी नोट है वो और भी किसके इक्वल होता है, इक्वल टू दिस लॉग केसी. ये फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो यहां से लॉग केसी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी हमारे पास, दैट इज माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन 2.303 आर टी. नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस फार्मूला,
लॉग के सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस 45.55 अपॉन 2.303, आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10^-3, क्योंकि हमें किस में लेकर चलना है, किलो जूल, इंटू टेम्परेचर आपके पास कितना आ जाएगा 298। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा और जब आप इस पूरे को सॉल्व करके निकालोगे तो नियरली हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। लेकिन ये तो किसकी वैल्यू आई, लॉग के सी, आपको तो सिंपल किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के सी, तो के सी इज इक्वल टू लॉगरिथम इधर जाएगा तो 1/log 7.983, 1/log मीन्स एंटी लॉगरिथम, के सी इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम ऑफ 7.983। अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एंटी लॉगरिथम इस वैल्यू का। एंटी लॉगरिथम का आपके पास एक रूल होता है कि जो पॉइंट से पहले वाली डिजिट है वो 10^2 में चली जाएगी, तो 0.983 इंटू 10^7। अब पॉइंट के बाद आपके पास क्या है, 98 की जब आप 3 पर वैल्यू शो करोगे एंटी लॉगरिथम टेबल में तो वैल्यू आएगी 9616 इंटू 10^7। पॉइंट कितना, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ आपने क्या लगा देना है, पॉइंट, तो आपके पास यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 9.616 इंटू 10^7। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, के सी की। दैट्स न्यूमेरिकल इज कम्प्लीटली सॉल्व। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, इस न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की कितनी है, 0.0024 मोलर सॉल्यूशन है, वो उसकी कंसंट्रेशन है और कंडक्टिविटी आपको दी हुई है ये। कैलकुलेट लैम्डा एम मींस मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, मींस जो आपको कंसंट्रेशन गिवन है, दिस कंसंट्रेशन, इफ लैम्डा एम नॉट मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है आपको, इतनी, और साथ में आपको क्या फाइंड आउट करना है, के ए मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस एसिड। अब हमें पता है जो लैम्डा एम सी है मोलर कंडक्टिविटी वो किसके इक्वल होती है, कापा इंटू 1000 अपॉन एम मींस मोलैरिटी। यहाँ पर जो कापा है, कापा की वैल्यू आपको गिवन है, दिस वैल्यू 7.896 इंटू 10^-5 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी 0.0024। अगर हम इन वैल्यूज को रख के सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नियरली आ जाता है 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ जाती है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, एट दिस कंसंट्रेशन। आपको न्यूमेरिकल में गिवन है लैम्डा एम नॉट एंड द वैल्यू इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। एज वी नो अल्फा किसके इक्वल होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। एम सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 32.76 जो फाइंड आउट की, लैम्डा एम नॉट आपको गिवन है 390.5। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नियरली आएगा 8.39 इंटू 10^-2। अब क्वेश्चन आता है किसको फाइंड आउट करने का, के, दैट इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड्स के लिए क्या था, सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 - अल्फा, दैट इज फॉर द वीक एसिड्स। कंसंट्रेशन इज 0.0024 इंटू अल्फा की वैल्यू 8.39 इंटू 10^-2 स्क्वेयर अपॉन 1 - अगेन अल्फा की वैल्यू। तो अगर आप इन सारी वैल्यूज को फार्मूले में पुट कर सॉल्व करोगे तो वी आर एबल टू फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड एंड द वैल्यू इज नियरली अबाउट दिस। इस न्यूमेरिकल में आपको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल दिया हुआ है जिसके अंदर 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1500 ohms। आपको फाइंड आउट करना है जी स्टार मीन्स सेल कॉन्स्टेंट, अगर कापा मींस कंडक्टिविटी आपको इतनी दी हुई है। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, कापा इज इक्वल टू जी स्टार इंटू जी
means conductivity is equal to cell constant into conductance. हमें find out करना है क्या, cell constant means G star, तो वो किसके equal आ जाएगा, conductivity means kappa upon conductance G. As we know, जो आपके पास conductance है G, वो किसके equal होता है, reciprocal of resistance. तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, kappa is equal to 1 upon R. R कहाँ चला जाएगा हमारा, ऊपर की तरफ. कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस वन 0.146 इंटू 10^-3 अपॉन 1 अपॉन रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1500, और जब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. मैंने आपको दिया कि Fe3 पॉजिटिव एक्वस रिएक्ट करता है आई नेगेटिव एक्वस के साथ. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दोनों का दिया हुआ है, Fe का भी और I2 का भी. अब देखो, कोई भी रिएक्शन फिजिबल तब होती है अगर रिएक्शन का EMF आपके पास कैसा आता है, पॉजिटिव. आपको फॉर्मूले में बताया था EMF किसके इक्वल होता है, ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. अब यहाँ पर कैथोड कौन है और एनोड कौन है. आपको ये भी ध्यान होगा कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करवाई तो उसमें बताया था कि जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसमें उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे रिडक्शन के. मींस आपके पास जो ये है ये बिहेव करेगा एज अ कैथोड एंड आयोडीन बिहेव्स एज एनोड. तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, कैथोड की आपको वैल्यू दी है 0.77, एनोड की आपके पास वैल्यू है 0.54. सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी 0.23 वोल्ट. एज EMF इज पॉजिटिव सो द रिएक्शन इज फिजिबल. अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो हमारे पास क्या आएगी, Fe3 पॉजिटिव प्लस हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, आयोडीन नेगेटिव गिव्स राइज Fe2 पॉजिटिव प्लस I2. आयोडीन कितना, हाफ फॉर्म में, दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन. इन सिमिलर मैनर अगर हम सेकेंड केस यहाँ पर कंसीडर करके चलें, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में और Fe2 पॉजिटिव एक्वस, तो अगेन EMF अगर पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन फिजिबल होगी. फर्स्ट वी राइट द रिएक्शन, सिल्वर सॉलिड रिएक्ट विद Fe3 पॉजिटिव गिव्स राइज Fe2 पॉजिटिव में जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, Ag पॉजिटिव. दिस इज इन एक्वस एंड ऑल्सो इन एक्वस. Fe2 पॉजिटिव भी केस में होगा आपका आयनिक मीडियम में. अब यहाँ अगेन E नॉट ऑफ सेल मीन्स EMF ऑफ सेल अगर आप निकाल दो तो E कैथोड माइनस E एनोड. अब यहाँ पर कैथोड कौन बिहेव करेगा, जिसका ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कैथोड. मीन्स सिल्वर यहाँ पर आपके पास किस फॉर्म में होगा, कैथोड फॉर्म में. लेकिन अगर हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग लेकर चलें तो रिएक्शन में क्या है, Ag से हम किस में गए, Ag पॉजिटिव. मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है वो इलेक्ट्रोड कौन सी होगी आपके पास, एनोड. और आयरन के केस में क्या हुआ, Fe3 पॉजिटिव गेन इलेक्ट्रॉन, और वो फिर किस में कन्वर्ट होगी, Fe2 पॉजिटिव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और रिडक्शन आपकी किस इलेक्ट्रोड पर होती है, कैथोड पर. तो अब यहाँ पर जो Fe है वो कैथोड और Ag कैसे बिहेव करेगा एज अ एनोड. तो कैथोड की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, आयरन मीन्स 0.77 माइनस एनोड 0.80. आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 0.03 वोल्ट. जैसा बिल्कुल इनिशियल बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EMF अगर सेल पोटेंशियल आपके पास पॉजिटिव आता है तभी रिएक्शन फिजिबल होगी. मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल बिकॉज EMF ऑफ सेल शुड बी नेगेटिव. इन दिस क्वेश्चन प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और किसका आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया यहाँ पर, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद द प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड. अगर हम इसमें रिएक्शन लिखे तो कॉपर क्लोराइड एक्वस मीडियम. अब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मीन्स ये इलेक्ट्रोलाइज होगा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूट जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव. अब जो कॉपर होगा वो किस पर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पर.
और Cl2 गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी एनोड पर। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि एट कैथोड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, बिकॉज जब ये वाली रिएक्शन होती है तो साथ में एक रिएक्शन और होगी H2O, वो आपका किस में जाएगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। अब जो H पॉजिटिव है और कॉपर 2 पॉजिटिव है, उन दोनों का कॉम्पिटिशन है, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव विल बी रिड्यूस्ड किसकी प्रेफरेंस में, H पॉजिटिव आयन की प्रेफरेंस में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, 0.34 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कॉपर को हम रिड्यूस्ड करेंगे इन प्रेफरेंस टू एच पॉजिटिव। रिड्यूस्ड होगा तो किसकी फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर की फॉर्म में। सेकेंडली एट एनोड हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, अब जो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो किसी ने लॉस किए हैं, तो वो लॉस कौन करेगा, क्लोरीन। Cl नेगेटिव से वो किस में कन्वर्ट होगा, Cl बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर दो यहाँ पर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो 2Cl नेगेटिव 2Cl में कन्वर्ट होगा और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, दो इलेक्ट्रॉन का। ये दोनों क्लोरीन एटम आपस में रिएक्ट करेंगे और किसकी फॉर्म में लिबरेट हो जाएंगे, इन फॉर्म ऑफ Cl2 गैस। या हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो Cl नेगेटिव आयन है वो क्या होंगे आपके पास, विल बी ऑक्सीडाइज्ड किसके रेफरेंस में, इन प्रेफरेंस टू द OH नेगेटिव आयन ऑफ द वाटर। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं, तो हम कहेंगे कॉपर डिपॉजिटेड एट एनोड एंड Cl2 लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ गैस एट द एनोड।